10 जून 2019 को युवराज सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। युवराज सिंह ने 3 अक्टूबर 2000 में केन्या के खिलाफ अपनी करियर की शुरुआत की थी और अपना आखिरी मैच 30 जून 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। युवराज सिंह के करियर की टॉप टू मूवमेंट्स की बात करें तो उनके करियर में पहला टॉप मूवमेंट रहा जब उन्होंने 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए थे ब्रॉड के खिलाफ। युवराज सिंह ने इस मैच में 12 गेंदों में फास्टेस्ट 50 लगाई थी जो कि फास्टेस्ट 50 के रिकॉर्ड में आज भी शामिल है। युवराज सिंह के करियर में सबसे बड़ा मोमेंट तब आया जब युवराज सिंह ने 2011 के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज हासिल की थी। इस वर्ल्ड कप में युवराज ने 9 मैचों में 362 रन बनाए थे 90 की औसत से और 15 विकेट भी लिए थे, जिसकी बदौलत इंडिया ने 28 साल बाद फिर से ओडीआई वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। युवराज सिंह के करियर की बात करें तो युवराज ने इंडिया के लिए 40 टेस्ट, 304 ओडीआई और 58 टी20 मैच खेले हैं। युवराज सिंह ओडीआई में 4th, 5th और 6th नंबर पर बैटिंग किया करते थे। इस नंबर पर आकर भी उन्होंने 8,700 रन बनाए हैं जो कि काबिले तारीफ है। युवराज सिंह इंडिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है, जाते जाते यही कहेंगे मिस यू यूवी। आगे की लाइफ के लिए शुभकामनाएं। स्पोर्ट्स की ऐसी ही हर छोटी बड़ी खबर आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।